हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम JNU, BHU और IIT JAM के जितने भी क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सबको डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो है, आज फर्स्ट लेक्चर है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का। इसमें हम लोग JNU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ओमेगा ऑफ ए डीप वाटर वेव वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो इसके अंदर कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर लैम्डा, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में रिलेशन बताओ। तो इसमें हम लोग देखिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी होती क्या है। ग्रुप वेलोसिटी को हम बोलते हैं डी ओमेगा बाय डी के, और फेस वेलोसिटी को बोलते हैं ओमेगा बाय के। तो देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, इसको हम ए मान लेते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन में रूट ओवर लैम्डा। एंड अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें डी ओमेगा बाय डी के, लेकिन उसके लिए के होना चाहिए इस तरफ, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसा करते देखिए, हम जानते हैं कि के होता है 2π/λ, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2π/k, और उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ए अपॉन में रूट ओवर 2π/k। तो ए अपॉन रूट में 2π, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग मान लेते हैं कॉन्स्टेंट बी, और ऊपर पहुँच जाएगा रूट में के, ठीक है। तो ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब हम ऐसा करते हैं डी ओमेगा बाय डी के हम निकाल सकते हैं इस समय। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है, ये आएगा हमारे पास बी अपॉन में टू रूट के, ठीक है। डिफरेंशिएशन किया 1/2 k, 1/2 -1, तो फिर -1/2 आएगा, उसको अपॉन में भेजा तो √1 √k आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे ये तो हमने फाइंड कर लिया ग्रुप वेलोसिटी, अब फाइंड कर लेते हैं फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। तो देखिए ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास कितनी, बी रूट के, और अपॉन में अगर हम के लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फेस वेलोसिटी। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं तो वी जी अपॉन वी पी इज इक्वल टू, देख सकते हैं अगर हम डिवाइड करते हैं तो, अच्छा इसको अगर हम सोल्व करें तो बी अपॉन में रूट के आ जाएगा ये। तो कितना होगा, बी अपॉन 2 √k डिवाइड बाय बी अपॉन रूट के, और रूट के से रूट के कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2, मतलब वी जी इज इक्वल टू वी पी अपॉन में 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज फाउंड टू हैव अ मैक्सिमम द वेवलेंथ लैम्डा मैक्स। अच्छा मतलब हमें लैम्डा मैक्स दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। टोटल एनर्जी रेडिएटेड जे इज मेजर्ड टू बी 30 वोट, मतलब कि एनर्जी हमें पावर की फॉर्म में दे रखी है, तो पावर मतलब हम लोग P1 मान लेते हैं 30 वोट। अब टेम्परेचर कह रहा है डबल हो गया, तो टेम्परेचर मान लीजिए डबल हो गया, 2T मान लेते हैं, ठीक है उसको रफली। अभी हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं यहाँ से, तो हमें न्यू वैल्यू निकालनी है जब लैम्डा, सॉरी जब टेम्परेचर डबल हो चुका है, तो हमें लैम्डा मैक्स की न्यू वैल्यू निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर लैम्डा भी हो टी भी हो, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं इजिली कि लैम्डा टी इज इक्वल टू होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2 करते हैं, तो हमें जो है λ1 मान लीजिए इसको और λ2 इसको मान लीजिए, तो हमें λ2 निकालना है। तो मान लीजिए λ1 अपॉन में λ2 होगा हमारे पास T2 अपॉन T1, और जो टेम्परेचर है T2 वो मतलब जो टेम्परेचर T1 है वो तो T1 रहेगा, जो T2 है वो दुगना है T1 से, तो 2T1 लिख सकते हैं इधर अपॉन में T1, तो कट जाएगा। तो λ1, तो अब आप देख सकते हैं λ1 अपॉन में λ2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 2। तो मतलब λ2 अपॉन में λ1 इज इक्वल टू 2 आ गया, 1/2 आ जाएगा, और λ2 जो है हमारे पास वो आ जाएगा λ1/2, और λ1 की जो वैल्यू है हमें दे रखी है 0.2 / 2, मतलब कि आ जाएगा 0.1, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो
अच्छा इसमें एक चीज़ और फाइंड करनी है, इसमें पावर फाइंड करनी है, मतलब ये जो पावर हमने पहले फाइंड करी हुई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली पावर जो दी हुई थी ये पी वन थी, तो अब कह रहा है कि पी टू फाइंड कीजिए, तो पी टू हम फाइंड करते हैं। देखिए तो ऐसा करते हैं, पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है, ये रिलेशन है, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्ज़मैन लॉ से हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो पी वन टी वन कर देंगे, पी टू टी टू कर देंगे, तो पी वन अपॉन में पी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू का होल पावर फोर, और पी वन अपॉन पी टू जो टेम्परेचर जो है टी टू वो ट्वाइस है टी वन से, ठीक है, तो वन अपॉन में टू की पावर फोर कितना आएगा, वन अपॉन में सिक्सटीन आ जाएगा, इज इक्वल टू पी वन अपॉन में पी टू, और पी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिक्सटीन इंटू पी वन, तो पी टू इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू पी वन जो है वो पी वन हमें दिया हुआ है इसमें कितना, पी वन जो है इसमें हमें दिया हुआ कितना, पी वन की वैल्यू है थर्टी, तो थर्टी कितना आ गया, ये आ गया 480 वोल्ट्स, तो ये आ गई पी टू की वैल्यू, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू अ स्फेरिकल रीजन ऑफ वॉल्यूम, मतलब हमें वॉल्यूम दिया हुआ, ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं एक बार, चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू स्फेरिकल रीजन, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए अगर हम स्फेरिकल रीजन की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो रफली अगर हम लोग सिर्फ आर क्यूब लेके चले, एक जनरल आइडिया लेके चले अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री में, तो आर क्यूब जो है वॉल्यूम में दे रखा है 10^-33, ठीक है, हमने रफली एक आइडिया लेके चल रहे हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10^-33 की पावर 1/3, मतलब -11 इसका आंसर आ जाएगा आर, ठीक है, तो ये आर आ गया, हमें निकालना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी, तो काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, सबसे पहले मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम होता है √2mE, तो ई होता है हमारे पास p² / 2m, मतलब अगर हम मोमेंटम निकाल लें तो उससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो मोमेंटम और पोजीशन में जो है रिलेशन होता है, तो डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है मोमेंटम और पोजीशन के बीच में, तो हमें जब मोमेंटम निकालना है तो एच अपॉन में डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10^-11, और एच की जो पावर होती है वो होती है -34, तो 10^-34 6.62 × 10^-34, तो वहाँ से मैंने -34 लिया और ऊपर गया ये +11, तो 34 में से 11 गया, 4 में से बन गया 3, 3 में से बन गया 2, तो ये आ गया लगभग हमारे पास -23, 34 में से 11 गया या 3 में से बन गया 2, 23, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोमेंटम की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो इसमें इसका स्क्वायर करना होगा हमें, तो 10^ कितना हो जाएगा 4, 6, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 को छोड़ देते हैं, हम लोग रफली आंसर निकाले क्योंकि इसमें रेंज पूछी है ना, ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, पावर आती है, और मास कितना होता है 9.1 × 10^-31, ठीक है, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसमें रफली जो है आंसर आपका 10^-14 आना चाहिए, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इसको ऊपर भेजेंगे फिर 1/9.1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर एक पॉइंट की वैल्यू आएगी, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास -14 समथिंग आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, आप लोग एक बार चेक कीजिए आंसर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है कि कौन सा आ रहा है आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ है, इन अ कॉम्प्टन स्कैटरिंग प्रोसेस अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज स्कैटर्ड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम बाय थीटा, मतलब देखिए कॉम्प्टन इफेक्ट से जो है यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉम्प्टन इफेक्ट हम जानते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास λ − λ′ इज इक्वल टू H/m0c और 1 − cos θ, मतलब कि λ − λ′ क्या रहा है, किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं λ − λ′ जो है डिपेंड कर रहे हैं एंगल पर और रेस्ट मास पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, बाकी तो देखिए सब कह रहा है कि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, नहीं लैम्डा पे डिपेंड, ये गलत हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन थीटा नॉट ऑन एम, हाँ एम पे डिपेंड तो कर नहीं रहा क्योंकि एम नॉट पे, एम नॉट है रेस्ट मास, रेस्ट मास पे डिपेंड कर रहा है, एम पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं,
तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर गिवन बाय इक्वल, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हमें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी कह रहा है प्रोटोन की जो है दोनों बराबर है। ठीक है, कह रहा है इफ़ वी डिनोट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन बाय लैम्डा पी। अच्छा, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा अल्फा पार्टिकल के बीच में जो है रिलेशन निकालना है इसमें। ठीक है, देखिए हम जानते हैं लैम्डा होता है हमारे पास एच अपॉन में रूट ओवर 2 m a, जो वेवलेंथ होती है वो एच अपॉन मोमेंटम होता है, एच बाई पी होता है, तो एच बाई पी पी की जो वैल्यू होती है मोमेंटम की वैल्यू होती है रूट ओवर 2 m e होती है। तो देखिए अल्फा अगर हम प्रोटोन की बात करें तो पी मास प्रोटोन और ई भी प्रोटोन के लिए, और इस तरीके से अगर हम लैम्डा निकालें अल्फा के लिए तो एच अपॉन में रूट ओवर 2 mass of alpha, और ये जो एनर्जी ये भी अल्फा के लिए होगी। अगर इनको हम डिवाइड करें तो मास लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच सी, एस कट जाएगा तो ये आ जाएगा रूट ओवर मास ऑफ अल्फा एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन। ठीक है, देखिए एनर्जी दोनों बराबर दे रखी तो ये भी कट जाएगा। अब मास ऑफ अल्फा जो होता है, मास ऑफ अल्फा जो है वो 4 times होता है मास ऑफ प्रोटोन से। ठीक है, और नीचे मास ऑफ प्रोटोन आएगा तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा हो जाएगा वो 2। तो मीन्स लैम्डा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर तो हमें ये दिख रहा है कि डी आ रहा है इसका आंसर, है ना, लैम्डा पी जो है लैम्डा पी और ये प्रोटोन प्रोटोन। ठीक है, तो लैम्डा पी इज इक्वल टू टाइम्स लैम्डा ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं।